हेलो एवरीवन आई एम राहुल वेलकम बैक टू द चैनल रिजन विद आर एम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडे वीडियो इज अबाउट द टी वी सेमेस्टर कॉम चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी बेसिक पॉइंट्स अबाउट फॉरेन एक्सचेंज एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू टू इजिली स्कोर फिफ्टीन आउट ऑफ फिफ्टीन मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन सो वीडियो को लास्ट तक देखे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो फॉरेन एक्सचेंज जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम में फिफ्टीन मार्क्स के बेसिस पे पूछा जा सकता है एंड देर आर थ्री लेवल्स इन फॉरेन एक्सचेंज फर्स्ट लेवल यू विल हैव क्वेश्चन ओनली ऑफ एक्सपोर्ट सो एक्सपोर्ट का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है सेकेंड लेवल है क्वेश्चन ऑफ इम्पोर्ट तो इम्पोर्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अगर आपके ये दोनों बेसिक लेवल क्लियर है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो आपका थर्ड लेवल वो काफ़ी इजी हो जाएगा दैट इज़ लेवल थ्री कंबाइंड लेवल जिसमें आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पॉइंट्स के ऊपर मिक्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बेसिकली देर आर थ्री लेवल्स एंड थ्री लेवल्स के बेसिस पे ही आपको किसी भी एक लेवल पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस बेस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं uh, कुछ बेसिक रूल्स थोड़े रिवाइज कर लेंगे हम एक्सपोर्ट रूल्स फिर लास्ट में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा सो दैट आपको और थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए तो एक्सपोर्ट का रूल काफ़ी इजी है अगर आपका रेट इंक्रीज होगा तो आपको एफ ई एफ क्रेडिट ही करना है ये कुछ बेसिक रूल मैंने बनाया जैसे आपका बेस रेट 62 था और इंस्टॉलमेंट का रेट 63 था तो रेट इंक्रीज़ हो गया तो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो एफ ई एफ अकाउंट क्रेडिट करना है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपका हमेशा क्रेडिट ही होगा अगर आपका रेट डिक्रीज़ होता है अगर आपका बेस रेट 60 है और आपका इंस्टॉलमेंट का रेट सिक्स फिफ्टी बन गया तो रेट डिक्रीज हो गया अगर रेट डिक्रीज़ हो गया तो आपका एफ ई एफ अकाउंट जो रहेगा वो हमेशा डेबिट ही होगा सो so, काफ़ी इजी रूल है बेसिक पॉइंट अगर रेट बढ़ा तो प्रॉफिट होता है एफ ई एफ क्रेडिट रेट कम हुआ तो लॉस होता है इसीलिए एफ ई एफ डेबिट और एक्सपोर्ट में आपको एक बेसिक चीज़ याद रखनी है एंड दैट इज़ बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा तो आप कोई भी इंस्टॉलमेंट का एंट्री चेक करो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम जो भी रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू समझो यूएस कंपनी पार्टी का नाम है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू यूएस कंपनी अगर लॉस होगा तो एफएफ डेबिट करेंगे तो एंट्री कैसे होगा बैंक अकाउंट डेबिट एफएफ डेबिट टू पार्टी का नाम सो so, ये बेसिक रूल है रेट बढ़ेगा तो एफ क्रेडिट रेट कम होगा तो एफ डेबिट ठीक है अभी हम कुछ रूल्स इम्पोर्ट के पढ़ते हैं इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में सिर्फ आपको रिवर्स रूल करने इंपोर्ट में क्या करना है रेट अगर इंक्रीज होगा तो लॉस हो जाएगा एफ ई एफ डेबिट करना है रेट बढ़ेगा तो एफ ई एफ डेबिट रेट कम होगा तो एफ ई एफ क्रेडिट और एक्सपोर्ट में क्या बताया था मैंने आपको अभी कि बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है तो इंपोर्ट में क्या होगा बैंक अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा तो सिंपल एंट्री है मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे अगर हमारा बेस रेट सिक्सटी टू है और रेट 63 हो गया तो रेट बढ़ गया और सम अगर इम्पोर्ट का है तो लॉस हो जाएगा रेट बढ़ा तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे एक रुपये ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है इसीलिए लॉस होगा अगर रेट बढ़ जाएगा तो आपका एफ ई एफ डेबिट होगा और रेट कम होगा तो आपका एफ ई एफ क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा एक्सपोर्ट में डेबिट होता है यहाँ पे क्रेडिट होगा फिर एक बेसिक पॉइंट आता है थर्टी फर्स्ट मार्च को इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग पॉइंट करना है थर्टी फर्स्ट मार्च को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं तो हमें दो एंट्री पास करनी पड़ती है एक होता है वैल्यूएशन और एक होता है क्लोजिंग का एंट्री तो अभी हम पहले वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन में आपको बेसिक चीज याद रखना है कि वैल्यूएशन में बैंक अकाउंट कभी नहीं आएगा नो बैंक अकाउंट इन वैल्यूएशन तो आपका सिंपल एंट्री है पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एफ हम करेंगे और अगर सेकेंड uh, केस में एंट्री होता है एफ ई टू पार्टीज तो पहला एंट्री कब होगा जब आपका रेट इंक्रीज होगा एक्सपोर्ट रहेगा तो जो प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे है रेट इंक्रीज होगा तो एफ क्रेडिट पार्टीज अकाउंट डेबिट और अगर रेट uh, कम हो जाएगा एक्सपोर्ट में तो एफ डेबिट होता है तो एफईफ अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट ये बेस आपको थर्टी फर्स्ट मार्च को और एक एंट्री होता है क्लोजिंग का और क्लोजिंग का एंट्री होता है एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ ई एफ कौन सा एंट्री कब करना है पहला एंट्री जो एफ ई एफ टू पी वो आपको करना है अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस करना है एफ ई एफ और पॉजिटिव आंसर के लिए पहला एंट्री नेगेटिव आंसर के लिए So, ये क्लोजिंग के एंट्री में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है आपको क्या करना है सारे एंट्रीज पास करने के बाद वैल्यूएशन करने के बाद आपको कैलकुलेटर पे जितने बार एफईफ अकाउंट क्रेडिट हुआ वो प्लस करना है जितने बार डेबिट हुआ वो माइनस करना है और फिर जो भी आपको आंसर मिलेगा वो देखना है अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो पहला एंट्री होगा एफईएफ टू पी एंड एल और अगर नेगेटिव आंसर आता है तो दूसरा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट दो में से एक एंट्री करना है और अगर आपका एफईएफ का बैलेंस जीरो आता है तो कोई एंट्री आपको पास नहीं करना है दीज आर द बेसिक थियोरीज अभी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूँ सो देट आपको और भी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इम्पोर्ट ओवर हियर एंड वी हैव अ क्वेश्चन विच रिलेट्स टू एबीसी इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम स्टार ऑफ न्यूयॉर्क वर्थ फाइव लैक डॉलर एट द रेट सिक्सटी फाइव ऑन टेंथ जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है हमको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि सम इंपोर्ट का है या एक्सपोर्ट का है बिकॉज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूल्स टोटली ऑपोजिट है तो इंपोर्ट का सम यहां पे दिया हुआ है सो इट इज बीन सेट दैट एबीसी ने इंपोर्ट किया गुड्स किससे इंपोर्ट किया स्टार कंपनी से और जिसका वैल्यू है फाइव लाख डॉलर और जिसका रेट दिया है सिक्सटी फाइव के रेट में उन्होंने इंपोर्ट किया है तो ये जो रेट है सिक्सटी फाइव इसको हम इस चैप्टर में आपके रेफरेंस के लिए एक नाम दे सकता हूँ एंड दैट इज कॉल्ड एज बेस रेट बेस रेट कितना है सिक्सटी फाइव रुपीज तो ये बेस रेट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेस रेट से ही हम सारे इंस्टॉलमेंट्स के रेट्स को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फाइव लाख डॉलर का गुड्स इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन पेमेंट किस बेस पे कर रहा है पेमेंट फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे पेमेंट हो रहा है तो फाइव इंस्टॉलमेंट्स के बेस पे वी हैव टू पे तो पांच इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे पेमेंट करेंगे अगर हम पांच लाख को पांच से डिवाइड करेंगे तो हर इंस्टॉलमेंट वन वन लाख रुपीज का होगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फिफ्टीन जनवरी को पेमेंट करना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिफ्टींथ फेब को थर्ड इंस्टॉलमेंट फिफ्टींथ मार्च को फोर्थ इंस्टॉलमेंट फिफ्टींथ अप्रैल को फिफ्थ इंस्टॉलमेंट फिफ्टींथ मे को और थर्टी फर्स्ट मार्च को हमको बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने हैं इसके लिए उसका रेट भी हमको दिया है सिक्सटी एट रुपीज तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि थर्टी फर्स्ट मार्च के पहले तक हम कितने इंस्टॉलमेंट पे कर पा रहे हैं तो यू कैन चेक अकॉर्डिंगली थर्टी फर्स्ट मार्च के पहले तक सिर्फ तीन ही इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो देखो यहाँ पे एक फिफ्टीन फेब्रुवरी और फिफ्टींथ मार्च तो टोटल हम कितना पेमेंट कर पा रहे हैं वी आर ओनली पेइंग थ्री लाख रुपीस तो कितना पेमेंट हम थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद करने वाले हैं एक अप्रैल में करने वाले हैं एक मई में करने वाले हैं तो अप्रैल का वन लाख और मई का वन लाख तो कितना पेमेंट आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा टू लाख रुपीस का पेमेंट आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा सो so, अगर टू लाख रुपीज का पेमेंट आपका आउटस्टैंडिंग है ये मैं क्यों बता रहा हूँ बिकॉज थर्टी फर्स्ट मार्च को जब हम वैल्यूएशन का एंट्री पास करते हैं तो वैल्यूएशन का एंट्री आउटस्टैंडिंग पेमेंट के ऊपर होता है और आउटस्टैंडिंग पेमेंट कौन सा जो थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद जितने भी पेमेंट पेंडिंग होंगे उसके ऊपर वैल्यूएशन होगा अब थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद अप्रैल का भी पेमेंट पेंडिंग है मे का भी पेमेंट पेंडिंग है इसलिए आउटस्टैंडिंग जो रहेगा वो टू लैक्स के ऊपर कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा सो so, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं जरल एंट्रीज करते वक्त तो आगे के पॉइंट्स देखते हैं देखो बेस रेट कितना है बेस रेट है हमारा सिक्सटी फाइव जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया अगर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को चेक करें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रेट है सिक्सटी सिक्स और हम सॉल्व कर रहे हैं सम इंपोर्ट का तो मैंने आपको बताया था इंपोर्ट में रेट बढ़ेगा तो एफ डेबिट होगा और इंपोर्ट में रेट कम होगा तो एफ ई एफ क्रेडिट होगा सो so, यहाँ पे क्या हो रहा है सिक्सटी फाइव रुपीज़ है सिक्सटी सिक्स बन गया तो रेट बढ़ गया अगर रेट इंक्रीज होता है तो लॉस होता है एफ ई एफ डेबिट होता है तो आपको एंट्री क्या करना है मैंने और और भी एक बेसिक चीज़ आपको बताया था इम्पोर्ट में बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है इम्पोर्ट में बैंक अकाउंट क्या होता है हमेशा क्रेडिट होता है तो आपका जरल एंट्री कैसे बनेगा यहाँ पे जो पार्टी है पार्टी का नाम हम डेबिट करेंगे जैसे स्टार लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट और लॉस हो रहा है इसलिए एफ को डेबिट करना पड़ेगा तो स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट एफ ई एफ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये हमारा इंस्टॉलमेंट का एंट्री बन जाएगा देखो सिंपल एंट्री है इंपोर्ट में इंस्टॉलमेंट का इंस्टॉलमेंट वी आर पेइंग तो दैट इज वाई एंट्री विल बी पार्टीज अकाउंट डेबिट टू बैंक आप याद ही रख लेना पार्टी का नाम डेबिट करना है और बैंक का नाम क्रेडिट करना है सिर्फ आपको इसके बीच में पार्टी और बैंक के बीच में एफ ई एफ का पोजिशन जो है वो चेंज करते रहना है एफ ई एफ डेबिट भी हो सकता है या एफ ई एफ क्रेडिट भी हो सकता है डेबिट कब होगा जब आपको लॉस होगा क्रेडिट कब होगा जब आपको प्रॉफिट होगा तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने है वाई सॉल्विंग ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली कुछ बेसिक एंट्रीज है जो आपको ध्यान रखने है जैसे फर्स्ट एंट्री जो है फर्स्ट एंट्री इंपोर्ट का अगर हम फर्स्ट एंट्री इंपोर्ट का देखें तो एंट्री होता है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट पार्टी मतलब मैं यहाँ पार्टीज अकाउंट लिख रहा हूँ पार्टीज का आपको नाम नाम लिखना है फिर सेकेंड एंट्री हमारा इंस्टॉलमेंट का होता है पार्टीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सो पार्टीज अकाउंट डेबिट टू बैंक देखो इंपोर्ट रहेगा यही एंट्री दो बेस है सिर्फ इसके बीच में एफ ई एफ आ जाएगा अगर आपका रेट बढ़ा तो एफ ई एफ डेबिट और अगर आपका रेट कम हुआ तो क्या होगा एफ ई एफ को यहां नीचे क्रेडिट करेंगे हम सो so, यही बेसिक एंट्रीज है जो आपको इंपोर्ट के बेस पे करते जाना है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में बेस रेट सिक्सटी फाइव रखना है हमको सेकेंड इंस्टॉलमेंट में रेट बन गया सिक्सटी फोर अब देखो रेट क्या हुआ है डिक्रीज हुआ तो रेट जब भी डिक्रीज होगा तो अभी मैंने आपको बताया एफ ई एफ क्या होगा क्रेडिट होगा तो एफ ई एफ अभी क्रेडिट होने वाला है एंट्री क्या बनेगा स्टार डेबिट स्टार लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू एफ ई एफ अकाउंट बिकॉज हमको प्रॉफिट हुआ वन रुपीस का तो सिक्सटी फाइव रुपीस था सिक्सटी फोर हो गया रेट कम हुआ रेट कम हुआ तो एफईएफ क्रेडिट ही होता है हमेशा और इम्पोर्ट में बैंक क्रेडिट होता है तो पार्टीज अकाउंट डेबिट टू बैंक इतना तो एंट्री आप ऑलरेडी जानते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है एफई एफ को क्रेडिट करना है दैट्स इट दिस इज दी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का बेस आगे बढ़ते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अगर आप ध्यान से समझ लें तो आपको फॉरेन एक्सचेंज में फुल 15 15 आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ही मिस्टेक होता है और और यहाँ पे ये यह होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यूएशन में अमाउंट कौन सा ले वैल्यूएशन में रेट कौन सा ले वैल्यूएशन में मल्टीप्लाई कैसे करे तो ये जो भी डाउट्स है वो भी आपके इस बेसिक से क्लियर हो जाएंगे थर्टी मार्च को क्या होता है थर्टी मार्च को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम क्लोज करते हैं बिकॉज वी आर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर 1st अप्रैल टू थर्टी मार्च तो थर्टी फर्स्ट मार्च को हमें क्या करना है सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितना है तो मैंने जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था तभी आपको बताया था कि एक पेमेंट हम फिफ्टींथ अप्रैल को पेमेंट करने वाले हैं वन लाख बराबर और दूसरा हम फिफ्टींथ मे को पेमेंट करने वाले हैं वो भी वन लाख अगर हम दोनों फिफ्टींथ अप्रैल फिफ्टीन मे को कर रहे हैं दोनों थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद है तो हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है टू लैक्स और वैल्यूएशन का रूल है कि वैल्यूएशन सिर्फ थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद जितना भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहा वन टू थ्री जितना भी है उसी के ऊपर वैल्यूएशन होता है सो सम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि सर एक वैल्यू एक आउटस्टैंडिंग पेमेंट uh, रहा तो एक ही वैल्यूएशन होगा तो दो आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहा तो क्या दो वैल्यूएशन होगा ऐसा नहीं करना है आपको दो आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहा तो दोनों को एड करके एंट्री तो एक ही पास करना है अब देखो वैल्यूएशन के लिए बेसिक यही याद रखना है कि वैल्यूएशन की एंट्री पास करते वक्त कभी भी बैंक अकाउंट नहीं आएगा वैल्यूएशन की एंट्री में बैंक अकाउंट आपको लिखना ही नहीं है मतलब एक तो आपको एंट्री करना है एफ ई एफ टू पार्टी या एक तो आपको एंट्री करना है पार्टी टू एफ एफ वो कैसे करें अब बताता हूँ वो कैसे करना है देखो सबसे पहले बेस रेट देखना है हमारा बेस रेट क्या है हमारा बेस रेट है सिक्सटी फाइव तो हमारा बेस रेट देखो कितना है सिक्सटी फाइव है फिर हमको ना क्वेश्चन में थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट दिया है एट दिया है तो अगर थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट एट है और बेस रेट फाइव है देखो बेस रेट सिक्सटी फाइव थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट सिक्सटी एट क्या दिख रहा है आपको इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ है रेट बढ़ गया कितने से बढ़ा रेट सिक्सटी फाइव और सिक्सटी एट का डिफरेंस कितना है थ्री है थ्री रुपीज से रेट बढ़ गया तो हमें क्या करना है थ्री मल्टीप्लाइड बाय हमारा आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितना था मैंने अभी आपको बताया था आउटस्टैंडिंग कितना था दो लाख एक अप्रैल का और एक मई का तो दो लाख मल्टीप्लाइड बाय तीन तो आपका अमाउंट आ जाएगा सिक्स लैक्स और अगर रेट बढ़ रहा है इम्पोर्ट है ना तो इम्पोर्ट में अगर रेट बढ़ रहा है तो मैंने अब भी आपको बताया था रेट बढ़ेगा तो लॉस एफ डेबिट तो देखो जनरल एंट्री भी मैंने यहाँ पे लिखी है एफ एफ अकाउंट डेबिट टू स्टार कंपनी अमाउंट विल बी सिक्स लाख रुपीज तो दिस इज द बेस ऑफ वैल्यूएशन तो आपको वैल्यूएशन इस बेस पे करना है वैल्यूएशन की एंट्री एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो सेम ही होती है सिर्फ प्रॉफिट लॉस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में चेंज हो सकता है बिकॉज इंपोर्ट में रेट बढ़ता है तो लॉस हो जाता है एक्सपोर्ट में रेट बढ़ता है तो प्रॉफिट हो जाता है दैट इज द पॉइंट सो पहले आपको क्या करना है बेस रेट को कंपेयर करना है थर्टी फर्स्ट मार्च के रेट के साथ फिर डिफरेंस लेना है डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसके साथ और जो भी अमाउंट आएगा उसके बेस पे आपको एंट्री पास करना है और एक दूसरी बात भी याद रखनी है कि वैल्यूएशन के एंट्री में कभी भी बैंक अकाउंट नहीं आएगा बैंक अकाउंट विल नेवर बी रिटर्न इन द केस ऑफ वैल्यूएशन वेदर इट इज इम्पोर्ट और वेदर इट इज एक्सपोर्ट तो ये था आ, हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन अभी हम क्या करेंगे अभी हम क्लोजिंग की एंट्री करेंगे क्लोजिंग की एंट्री करने को क्या करना है आपको कैलकुलेटर लेना है और कैलकुलेटर पर गिनते जाना है एफ ई एफ जितने बार आपको जनरल एंट्री में क्रेडिट दिखेगा उसको प्लस करना है एफ ई एफ जितने बार क्रेडिट दिखेगा उसको प्लस करना है और एफ ई एफ जितने बार आपको डेबिट दिखेगा उसको माइनस करना है और माइनस करने के बाद फिर एक आंसर मिलेगा आपको वो आंसर एक तो पॉजिटिव हो सकता है या एक तो नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव की अलग अलग एंट्री है अगर पॉजिटिव आया तो आपको एंट्री करना है एफईएफ टू पीएंडल क्या करना है एफई एफ टू पीएनडल और अगर नेगेटिव आया तो आपको एंट्री करना है प्रॉफिट एंड लॉस टू एफ ई एफ इफ इट इज पॉजिटिव एंट्री करना है एफ ई एफ टू प्रॉफिट एंड लॉस इफ इट इज नेगेटिव आपको एंट्री करना है प्रॉफिट एंड लॉस टू एफ ई एफ दिस इज द बेसिक एंट्रीज रिलेटेड टू द कैलकुलेशन सो कुछ बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च का खेल क्या है मार्च, पे भी student mistake करते हैं। देखो, पहले हमने base rate जो लिया था, वो 65 लिया था, था। वो सारे transactions को मैंने आपको 65 से ही compare करके दिखाया है लेकिन जैसे ही थर्टी फर्स्ट मार्च होता है वैसे बेस रेट हमारा जो है वो चेंज होता है तो बेस रेट हमारा थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद क्या बनता है जो हमारा थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट होता है वही बेस रेट बनता है तो देखो थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट क्या था हमारा सिक्सटी एट था तो अभी हमारा बेस रेट क्या बन जाएगा सिक्सटी एट बन जाएगा और बाद में हम जब अप्रैल और मई के जर्नल एंट्रीज करेंगे तब हम अगर सिक्सटी फाइव से कंपेयर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा तो हमें किससे कंपेयर करना है हमें कंपेयर करना है हमारे बेस रेट के साथ जो अभी चेंज हो चुका है थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद और जो हो चुका है सिक्सटी एट तो हम सिक्सटी एट को कंपेयर करेंगे सिक्सटी सेवन के साथ और वही हमारा सिचुएशन इंक्रीज है कि डिक्रीज यहां पे आपको डिक्रीज दिख रहा है डिक्रीज दिख रहा है तो एफ क्रेडिट ठीक है दिस इज द बेसिक तो कुछ बेसिक चीजें ही आपको ध्यान में रखनी है पहले हम बेस रेट से कंपेयर करते जाएंगे थर्टी फर्स्ट मार्च को हम वैल्यूएशन और क्लोजिंग करेंगे और थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद जितनी भी एंट्री पास करेंगे उसमें हम थर्टी फर्स्ट मार्च का जो बेस रेट दिया होगा वही हम बेस रेट लेके कंसिडर करेंगे तो ये था हमारा बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग दी फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेर कमेंटिंग दैट सर थियोरी तो हमें समझ आ रहा है लेकिन कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अपलोड कीजिए सो so दैट हमारा और भी बेसिक क्लियर हो जाएगा और और भी बेसिक जो आपके क्लियर हो, हो इस वीडियो से हो चुके हैं ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ सो दैट मैंने बाकी सारे पॉइंट्स भी इससे कवर अप किए हैं और अगर आप ये बेसिक चीज़ें भी ध्यान में के गए तो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड 15 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे सो so, ये था प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो किस बेस पर पूछा जाएगा बिकॉज नॉर्मली एग्जाम के अगर रिलेटेड पॉइंट की तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा तो ये कुछ एग्जैग्रेशन नहीं था बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सी दैट लास्ट में बताने का इंटेंशन क्या है पहले ही बताओ सो so, यही पॉइंट मैं आपको अभी क्लियर करना चाहता हूं कि एग्जाम में किस बेस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखो आज तक का यूनिवर्सिटी में जितने भी साल फॉरन एक्सचेंज के ऊपर क्वेश्चन आया है हर साल इंपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है एवरी ईयर दे हैव आस इंपोर्ट सो ऐसा किसी भी साल में नहीं हुआ कि इंपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है तो आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपोर्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है अगर आपको दो क्वेश्चन पूछे गए तो इंपोर्ट के ऊपर फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा एक तो आपको जर्रल एंट्रीज पूछेंगे और एक आपको एफईएफ का लेजर पूछेंगे तो जर्ल एंट्री इसको आपको द, दस से ग्यारह मार्क्स देंगे और आपको चार मार्क्स के लिए एफ ई एफ पूछा जाएगा ऐसे आपको फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और अगर एक्सपोर्ट का क्वेश्चन आया एक्सपोर्ट का तो एट सेवन में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं इसमें सिर्फ जर्ल एंट्री पूछ सकते हैं पार्टीज लेजर अभी तक पूछा नहीं गया है पार्टी का लेजर अभी तक आया नहीं है बिकॉज यूजुअली दे फोकस मोर ऑन जर्ल एंट्रीज एंड एफ एफ तो आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो लास्ट तीन से चार साल के पेपर आप देखे यूनिवर्सिटी के सिर्फ मुझ पर बिलीव ना करें मैंने इतने चार पांच साल के जो पेपर के बारे में देखा है तो हर साल इम्पोर्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं एंड इम्पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन फिफ्टीन मार्क्स का ही पूछा गया अभी तक और एक्सपोर्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आया है वो 87 सेवन में पूछा गया है ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट पे नहीं आया एक्सपोर्ट के ऊपर भी आया है बट एक्सपोर्ट के ऊपर 87 तो यूजुअली जर्नल एंट्रीज विद एफ का लेजर बिकम्स इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू एंड If you are clear with the basics, you can easily score 15 out of 15 in the foreign exchange fluctuation account. तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है काफी डिटेल में मैंने आपको इसमें ट्राई किया है बताना सो दैट आपके बेसिक चीजें भी क्लियर हो जाए दैट्स इट यही था आज का अच्छा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना सो so दैट आपको नोटिफिकेशंस आते जाएंगे और अभी फिलहाल मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ फिर जैसे जैसे पेपर्स आएंगे वैसे आ, सारे बेसिक चिप पे आपको एक कॉम्पैक्ट वीडियो बना के दे दूंगा कि क्या पॉइंट्स आपको एग्जाम से पहले ध्यान में रखने हैं दैट्स इट थैंक यू एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर